बम बम भोले और बाबा तेरी जय जयकार के नारों से सुबह सवेरे पहलगाम गूंज उठा है, क्योंकि ऐतिहासिक सालाना यात्रा का आगाज हो चुका है। बाकायदा तौर पर इस यात्रा का आगाज हो चुका है। आज सुबह सवेरे नुनमन बेस कैंप से जिला इंतजामिया अनंतनाग ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर जो है अब पवित्र गुफा की ओर रवाना किया है। पहले चंदनवारी के मकाम पे ये पहुंचेंगे, वहां पे भी फ्रिस्किंग होगी और उसके बाद चंदनवारी के मकाम से जो है कुछ यात्री घोड़ू का सहारा लेते हैं, कुछ एहतिकात की बुनियाद पर जो है पैदल मार्च करते हैं। और आपको तस्वीरें नुनमन बेस कैंप से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे यात्री जो है पुरजोश अंदाज से यहाँ पे निकल रहे हैं और चंदनवारी की मकाम की ओर जा रहे हैं। यात्रियों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे बाबा का दर्शन करने के बाद मुल्क के लिए क्या कुछ प्रार्थना रहेगी, और साथ साथ सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे जगह जगह पर देखने को मिल रही है, उस हवाले से इनका क्या कुछ कहना है, और साथ साथ इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, उस हवाले से भी यात्रियों से जरूर बातचीत करेंगे। मैं राकेश पवार। कहाँ से आया? हम तलोदा नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। चलते चलते हम बात करेंगे। हमें बताया गया कि इंतजामिया की जानिब से जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है उस हवाले से आपका क्या कहना? वो तो बहुत बढ़िया थी, खाना भी बहुत बढ़िया था, रहने का भी बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। बाबा भोले की कृपा से सब बहुत बढ़िया चल रहा है, आगे भी चले गए और ऐसे ही बाबा के दर्शन के लिए अभिलाषी हम सब बस दौड़ते चले जाएंगे, बाबा बुलाएंगे हम चले जाएंगे। बोलो बजरंग बली बाबा की। हर हर जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, तो क्या खुसूसी प्रार्थना मुल्क के लिए रहेगी? मुल्क के लिए बस शांति और अमन रहे, ऐसे ही भाईचारे से आगे बढ़ते रहेंगे हम। और ये जो चल रहा है अभी, ये बहुत से 10-12 साल में जो प्रगति हुई है, अच्छी हुई है, बाबा की कृपा से मजा आएगा और आगे यहाँ पे और सुंदरता बढ़ती जाएगी और देखने के लिए लोगों की भीड़ ऐसे आएगी। बाबा के दर्शन में पहले कम लोग आते थे, अभी लाखों की संख्या में आ रहे, आगे और करोड़ों की संख्या में आएंगे। सहरा आप किसको देना चाहोगे? ये तो मोदी बाबा है जो ये सब करके रखा है, और जो मिलिट्री है हमारी, हमारी देश की जो शान है, उसमें सभी लोग है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो जो यहाँ सब अपनी व्यवस्था करते हैं वो बहुत बढ़िया होती है। यहाँ से अंदर कोई तिनका भी ले जा सकता नहीं, इतना हमें अपनी आर्मी पे गर्व है और उनके भरोसे पे हम सोते हैं और अपने बाबा के दर पे चलते जाते हैं। चलिए, यात्रियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की काविशों की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है और यहाँ पे जो है अब हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यात्री यहाँ पे पहुँचते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। हमारे साथ एक महिला यात्री है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं। जी बोलेंगे, मेरा नाम पद्मावती सरस्वती। तो कब से इस दिन का इंतजार था? ये तो बहुत देर का इंतजार था कि यात्रा कब शुरू हो, तो कब आए दर्शन करें बोले बाबा के। तो कितना जोश है आप में? बहुत ज्यादा, जितनी खुशी हो उतना। अपना नाम बताएं। हमारा नाम संजय कृष्ण है, हम हीरानगर शांतिनिकेतन सन्यास आश्रम से आए हैं। तो बहुत उत्साह है सभी लोगों में, हमारे जम्मू कश्मीर पूरे भारत के लोगों में, भारत के संतों में, जितने सन्यासी वैरागी हैं, जितने भी, बहुत ज़्यादा उत्साह है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और बड़ी खुशी है, ये हमें हमारी जो पूरे इंडिया की जो आर्मी है, BSF है, CRPF है, ISF है, इनका इतना ज़्यादा सहयोग है कि बड़े प्रेम से और बड़े अच्छे तरीके से हमें जो बाबा बर्फानी के ये दर्शन करवाते हैं, और हर जगह लोगों ने जो है व्यवस्था की हुई है लंगर की। तो बहुत बहुत इन सभी का धन्यवाद, और सभी से यही निवेदन करूंगा, आइए आप बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए और उनकी कृपा को पाइए। आपका मानना है कि यहाँ की इंतजामिया ने जो है आपके लिए बेहतर जो व्यवस्था की है? देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, ये इसीलिए तो कह रहे हैं हम कि ये जो व्यवस्था है पूरे भारत के लिए जो की हुई है इन्होंने, बड़ी सराहनीय है। तो क्या खुशूसी प्रार्थना मुल्क के लिए करोगे जी? खुशूसी प्रार्थना क्या रहेगी मुल्क के लिए?
प्रार्थना यही है, भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद, भगवान सभी को अपना आशीर्वाद उनके बनाए रखें और उनकी कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे। तो यात्रियों में लगातार जोश खरोश देखने को मिल रहा है और नुनवन बेस कैंप से ये अब जो है चंदनवारी की ओर रवाना हो रहे हैं, जहां से ये पवित्र गुफा पे पहुंच कर दर्शन करेंगे और मुल्क के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि मुल्क में सुख चैन से हर एक फर्द जिए। फिलहाल नुनवन बेस कैंप से लगातार आप देख रहे हो कि कतारों में लोग जा रहे हैं और ये अब पवित्र गुफा की ओर जाएंगे। चंदनवारी के मकाम से कुछ लोग घोड़ों का सहारा लेंगे और कुछ लोग वहां पे जो है पद यात्रा शुरू करेंगे। फिलहाल देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट, आप तक मजीद रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।